हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 केमिस्ट्री। क्लास 10 पे आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 5, स्टेट्स ऑफ मैटर। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 9th 10th में कि मैटर की कितनी स्टेज होती हैं। तो 3 स्टेट्स होती हैं मैटर, वैसे 5 होती हैं, बट आपको मोस्टली यहाँ पे क्या पढ़नी है, 3 स्टेट्स ही पढ़नी है। तो देयर आर 3 स्टेट्स ऑफ मैटर। तो अब इस चैप्टर में हम मैटर की स्टेजेस के बारे में, गैसेस, लिक्विड एंड गैस सॉलिड में से आप गैसेस के बारे में ब्रीफ डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे उनकी सॉल्युबिलिटी होती है गैसेस की लिक्विड में एंड लिक्विड की गैसेस में, किस तरीके से सॉल्युबिलिटी वेरिएट करती है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड में। उसके बाद नेक्स्ट आपका रियल गैसेस हैं, उसके बाद आइडल गैसेस हैं और आइडल गैस इक्वेशंस हैं, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो हम डिस्कस करते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। देयर आर थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर। आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं 3 स्टेट्स कौन कौन सी आप पढ़ते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये 3 स्टेट्स होती हैं। तो सॉलिड आप पढ़ चुके होंगे, सॉलिड जिसमें डेफिनेट, जिसका डेफिनेट साइज हो एंड डेफिनेट शेप हो, यानी कि चेंज ना हो पाए। जैसे कि कोई टेबल है, ये अब आपको वाइट बोर्ड भी दिख रहा है, ये भी एक सॉलिड स्टेट में ही है। तो सॉलिड स्टेट में यानी कि इसका कोई एक साइज है, फिक्स साइज है, और एक इसका डेफिनेट शेप है, यानी कि शेप चेंज नहीं होता। अगर आप इसको हिट भी करेंगे तभी ये अपनी शेप चेंज नहीं कर पाएगा। तो ऐसी स्टेट को हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में विच हैज़ अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम तो डेफिनेट होता है बट नॉट अ डेफिनेट शेप, शेप नहीं होती। जैसे आपको वाटर पता है, वाटर का एक वॉल्यूम तो डेफिनेट है, लेकिन आप गिलास में एक वाटर लें तो वॉल्यूम उतना ही रहेगा, लेकिन आप उसे अगर किसी बाउल में डाल दें तो वो उसका शेप ले लेता है। तो एक डेफिनेट शेप नहीं होती, किसी भी कंटेनर में आप उसे डालेंगे वो उसी की शेप ले लेता है, कोई भी लिक्विड। फॉर एग्जाम्पल वाटर, मिल्क, ऑयल, ये लिक्विड के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आपका गैस फेज। गैस स्टेट में नाइदर पजेसेस डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है एंड नॉट डेफिनेट शेप, ना तो इसकी डेफिनेट शेप होती है। एंड गैस ऑक्यूपाइज इन अ होल ऑफ द कंटेनर, ये किस भी कंटेनर में आप इसको डालोगे, जैसे लिक्विड को हम डालते हैं तो उसी कंटेनर का वो शेप ले लेता है, तो गैस भी वैसे ही होती हैं। तो जिस भी कंटेनर में आप इसको डालेंगे उसी का शेप ले लेते हैं। तो थोड़ी सी इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस की। फर्स्ट है आपकी सॉलिड स्टेट। अ सॉलिड पजेसेस अ डेफिनेट साइज और वॉल्यूम, साइज और वॉल्यूम एक ही चीज़ है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है सॉलिड का एंड अ डेफिनेट शेप, और उसकी कुछ शेप होती है, फिक्स्ड शेप, एंड इट इज जनरली हार्ड, और हार्ड होता है आपका सॉलिड एंड रिजिड, यानी कि आप उसको चेंज नहीं कर सकते उसकी शेप को। जैसे कि आपका ये मार्कर दिख रहा है, ये क्या है, एक सॉलिड स्टेट में है, इसकी एक फिक्स्ड साइज है, ठीक है, और इसका एक शेप भी फिक्स्ड है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। इट्स हार्ड, टच करके देखेंगे तो हार्ड ही है। फॉर एग्जाम्पल आप जितनी भी आपकी मेटल्स हैं आर द सॉलिड स्टेट एक्सेप्ट मर्करी, मर्करी को छोड़कर, फॉर एग्जाम्पल आयरन, सिल्वर एंड कॉमन सॉल्ट, ये सारे आपके क्या हैं, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। अब ये सॉलिड स्टेट में हैं क्यों, क्योंकि इनके बीच जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी कि स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कैसे होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो क्लोजली पैक्ड होने की वजह से इनकी स्ट्रक्चर कैसा होता है, सॉलिड होता है, हार्ड होता है। तो ये था सॉलिड स्टेट। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं लिक्विड। नेक्स्ट है लिक्विड स्टेट। अ लिक्विड पजेसेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, वॉल्यूम डेफिनेट होता है लिक्विड का बट नॉट डेफिनेट शेप, डेफिनेट शेप नहीं होती। It takes up the shape of the container in which it is placed. जिस भी कंटेनर में, इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज प्लेस्ड, जिस भी कंटेनर में आप इसको रखोगे ये उसी कंटेनर का शेप ले लेती है, कौन, लिक्विड स्टेट। इट ऑल्सो है द टेंडेंसी ऑफ टू फ्लो, इनके अंदर फ्लो करने की टेंडेंसी भी होती है, बहने की टेंडेंसी। इट हैज
टेंडेंसी टू फ्लो, आप पानी को देख सकते हैं, आप फ्लो डालिए नीचे, वो बहते हुए आगे चला जाता है, तो फ्लो फ्लो करने की टेंडेंसी भी इनमें होती है. फॉर एग्जाम्पल वॉटर, इट इज अ कॉमन एग्जाम्पल, एल्कोहल, मिल्क एंड ऑयल. अब इनके अंदर लिक्विड इनकी डेफिनेट वॉल्यूम होता है बट नॉट फिक्स्ड शेप, शेप फिक्स नहीं होती, एंड इट टेक्स अप द कंटेनर की शेप लेने की टेंडेंसी भी इनमें होती है, एंड इट ऑल्सो हैज़ द टेंडेंसी टू फ्लो, फ्लो करने की टेंडेंसी भी होती है, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उतना स्ट्रांगली पैक्ड नहीं होते इन कंपैरिजन टू सॉलिड स्टेट. सॉलिड स्टेट के कंपैरिजन में इनके जो पार्टिकल्स होते हैं थोड़े क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनके बीच में उतना अच्छा अट्रैक्शन ऑफ फोर्स नहीं होता, तो लिक्विड स्टेट होती है. नेक्स्ट है गैस स्टेट. नेक्स्ट गैस स्टेट में अ गैस नाइदर पजेजेस अ डेफिनेट वॉल्यूम, ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही कोई फिक्स्ड शेप. Definite volume nor definite shape. And a gas, इसमें भी किसी भी container में आप इसको डालोगे तो ये liquid की तरह ये भी उसी container की shape ले लेते हैं. It also has the tendency to flow. इनमें भी flow करने की tendency होती है, जैसे liquid में होती है वैसे ही इसमें भी. It also have the टेंडेंसी टू फ्लो. फॉर एग्जाम्पल जितनी भी आपकी गैसेज हैं, फॉर एग्जाम्पल एयर, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द गैसियस स्टेट. द नेक्स्ट इज, नेक्स्ट इज ट्रिपल पॉइंट. ट्रिपल पॉइंट वो पॉइंट होता है, वो टेम्परेचर होता है एट विच ऑल द थ्री फेजेस, कौन कौन सी फेजेस हैं आपकी, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, वो टेम्परेचर जिसमें ये तीनों फेजेस एक साथ एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली, तो उस पॉइंट को हम बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट. द टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच ऑल द थ्री फेजेस ऑफ द सम सब्सटेंसेस, यानी कि कुछ सब्सटेंसेस की तीनों फेज एक साथ कुछ पर्टिकुलर टेम्परेचर पर क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं साइमल्टेनियसली, तो इस पॉइंट को हम कहते हैं, इस टेम्परेचर को हम कहते हैं ट्रिपल पॉइंट. सम सब्सटेंसेस एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली, एक साथ साइमल्टेनियसली, इज कॉल्ड ट्रिपल पॉइंट. फॉर एग्जाम्पल वॉटर, वॉटर एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री फेजेस, तीनों फेज में एग्जिस्ट करता है साइमल्टेनियसली, ऑल द थ्री फेजेस साइमल्टेनियसली एट, कौन कौन सी थ्री फेजेस होती हैं वॉटर की, आइस, वॉटर एंड वॉटर वेपर, एट टेम्परेचर 0.01 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर कितना 4.58 मिलीमीटर ऑफ मर्करी प्रेशर. इतने प्रेशर और 0.01 डिग्री सेल्सियस पर वॉटर एग्जिस्ट करता है एक साथ तीनों फेजेस में, ठीक है, तो ऑल द थ्री फेजेस एग्जिस्ट इन एन अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, दीज आर कॉल्ड द ट्रिपल पॉइंट. नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरमोलिकुलर फोर्सेस और इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन, दोनों एक ही चीज है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस एंड इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन. द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल. इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो होते हैं दीज आर द वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द नॉन पोलर और पोलर मॉलिक्यूल्स. तो ये वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, द डेफिनेशन ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन
इंटरैक्टिंग पार्टिकल। अब वो इंटरैक्टिंग पार्टिकल एटम्स भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन इंटरैक्टिंग पार्टिकल एटम और मॉलिक्यूल आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, सच फोर्सेस एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट। ये जो फोर्स होते हैं हर स्टेट में एग्जिस्ट करता है, हो सकता क्या पता वो गैस स्टेट में हो तो भी एग्जिस्ट करता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इसीलिए ये कैसे हैं, वीक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनी स्ट्रक्चरल फीचर्स एंड द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए और कुछ स्ट्रक्चरल फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दीज इट इज या दीज आर दीज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दीज आर वीक फोर्सेज। ये कैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड दीज आर प्रेजेंट, इट इज प्रेजेंट प्रेजेंट इन केस ऑफ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। ये जब होंगे प्रेजेंट होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कौन से मॉलिक्यूल्स में, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में। नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें पोल्स डेवलप नहीं होते, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम नॉन पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं जिसमें डाइपोल जनरेट नहीं हो सकता, यानी कि उसमें डाइपोल का मतलब चार्जेस जनरेट। ठीक है, तो पोलर मॉलिक्यूल सच एज फॉर एग्जांपल जैसे कि H2O2, ठीक है, ये कैसे हैं, नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं, लाइक NCl2, CH4 एक्सेट्रा। अब ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में होते हैं। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द इवन नॉन पोलर सब्सटेंसेज सच एज हाइड्रोजन क्लोरीन, जो नॉन पोलर हैं ये सारे के सारे कैसे हैं, नॉन पोलर एलिमेंट कैन बी लिक्विफाइड। ये देखा गया कि ये क्या हो जाते हैं, वैसे ये गैसीय स्टेट में मिलते हैं, मीथेन गैस होती है, क्लोरीन एक गैस होती है, हाइड्रोजन एक गैस है, ऑक्सीजन ऑल्सो इन द गैस फॉर्म, इट्स लिक्विफाइड। ये क्या होती है, लिक्विफाई होती हैं। तो वैसे हम क्या बोलते हैं, गैसीय स्टेज में उनके बीच में अट्रैक्शन नहीं होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता गैसीय स्टेज में जब कोई एलिमेंट होता है। तो अब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है तो वो लिक्विफाई क्यों हो रही है, लिक्विफिकेशन का मतलब क्या होता है, उनमें आपको पता है जब गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है उनके बीच में, अब जब वो लिक्विफाई हो रहे हैं यानी कि थोड़ा क्या आ रहे हैं, पास पास आ रहे हैं। ठीक है, और सॉलिड स्टेट में तो बहुत ही टाइटली पैक्ड होते हैं मॉलिक्यूल्स। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो है अगर वो लिक्विफाई हो रहे हैं, ये देखा गया एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन या क्लोरीन है ये लिक्विड फॉर्म में भी अवेलेबल हैं, तब बताया गया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में कि हाँ इन मॉलिक्यूल्स के बीच में कैसा फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि कैसा है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उतना स्ट्रांग फोर्स नहीं होता लेकिन वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तब नॉन पोलर के इनके बीच में इंटरेक्शन को बताया गया, इसी का नाम दिया गया वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉन्डरवॉल फोर्सेस। अब इन फोर्सेस के बारे में हम अलग अलग पढ़ेंगे। वंडरवॉल फोर्सेस में आपका लंडन फोर्स भी आ जाता है जिसको हम डिस्पर्शन फोर्स कहते हैं, फिर देन उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस एंड उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दीज आर नोन एज वंडरवॉल फोर्सेस इन शॉर्ट फॉर्म। सबके सब वंडरवॉल फोर्सेस है, वंडरवॉल फोर्सेस दीज आर द वीक फोर्सेज। ये कैसे फोर्स होते हैं, वीक फोर्सेज होते हैं प्रेजेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ। अब ये जो इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसे अराइज होते हैं, इंटरेक्शन होता है उनके इनके बीच में तभी तो ये अराइज हो रहे हैं इंटरमॉलिकुलर फोर्स या वंडरवॉल फोर्सेस। तो वो इंटरेक्शन किस किस टाइप का होता है, तब वो इसके हिसाब से टाइप ऑफ इंटरमॉलिकुलर, इसको हम टाइप नहीं बोल सकते लेकिन जो इंटरमॉलिकुलर फोर्स जनरेट हो रहा है उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किसकी वजह से हो रहा है, कौन कौन से इंटरेक्शन उनके बीच में हो रहे हैं। तो इंटरमॉलिकुलर फोर्स के टाइप कैसे जनरेट हो सकता है, एक तो डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्सेस, इसी को हम लंडन फोर्स भी बोलते हैं, लंडन फोर्सेस। सेकेंड डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। थर्ड वन इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। फोर्थ वन इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सारे के सारे इंटरेक्शन हैं, किस टाइप का इंटरेक्शन मॉलिक्यूल्स में होता है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स का
पोलर मॉलिक्यूल्स के साथ, वो सब हम पढ़ेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में। ये सारे के सारे वीक फोर्सेस हैं और ये सभी किस में आते हैं, वान डर वाल फोर्सेस में, जो कि मैंने आपको बताया वान डर वाल फोर्सेस में। ये सारे इंटरेक्शन जो आप पढ़ेंगे सारे वान डर वाल फोर्सेस के अंदर आते हैं, जो कि एक वीक फोर्स है, स्ट्रांग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में नहीं होता। फर्स्ट इज डिस्पर्शन फोर्सेस, ये टाइप है इंटरेक्शन फोर्सेस का ही, डिस्पर्शन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस। ये जो फोर्सेस हैं कैसे टाइप के मॉलिक्यूल में ये प्रेजेंट होगा, एटम्स जो कि नॉन पोलर होंगे, एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल, परमानेंटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल, यानी कि इनके बीच में पोल्स जनरेट ही नहीं होते, नॉन पोलर मॉलिक्यूल आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल। जब सिमेट्रिकल होंगे तो उनके में पोल जनरेट ही नहीं होंगे, सिमेट्रिकल, एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट, और इनमें क्या नहीं होता, कोई डाइपोल मोमेंट नहीं होता, यानी कि पोल जनरेट नहीं होते। ये उन इस टाइप के मॉलिक्यूल में डिस्पर्शन फोर्सेस होता है। एटम्स एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स आर इलेक्ट्रिकली सिमेट्रिकल एंड हैव नो डाइपोल मोमेंट बिकॉज देयर इलेक्ट्रिक चार्ज या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है क्लाउड, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज क्लाउड इज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, यानी कि एक जैसा ही सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए उनके बीच में क्या है, अट्रैक्शन ही नहीं है, क्योंकि वो नॉन पोलर हैं, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। बट द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज में एग्जिस्ट, लेकिन इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स एग्जिस्ट करता है, तभी ये देखा गया कि जो नोबल गैसेज हैं, नॉन पोलर एटम, नॉन पोलर एटम जितनी भी आपकी नोबल गैसेज होती हैं, नॉन पोलर ही होती हैं, नॉन पोलर एटम सच एज नोबल गैसेज और नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अभी नॉन पोलर मॉलिक्यूल का मैंने आपको एग्जाम्पल लिखाया भी था, ऑक्सीजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, दीज आर द नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिनके बीच में पोल्स जनरेट नहीं होता, डाइपोल मोमेंट नहीं होता, ये क्या होती है, इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किस तरीके से होता है, सपोज ये दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, दिस इज एटम ए एंड दिस इज एटम बी, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसीलिए इनके बीच में कोई चार्ज ऑफ अट्रैक्शन नहीं है। लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, जब इनके बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके चारों ओर क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, दिस इज इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अब इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, लेकिन जब ये एक दूसरे के थोड़ा पास आ रहे हैं, तब हो क्या रहा है एक्चुअल में, जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो ये है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन और ये यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करेगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज जब एक दूसरे के दोनों के क्लोज आएंगे ये एटम, तो पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट करने की वजह से नेगेटिव चार्ज इधर डेवलप होगा और ये वाला मॉलिक्यूल, इसमें पोल्स जनरेट हो जाएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव आपको पता है अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होता है, इसीलिए यहाँ पर एक पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल का मतलब होता है थोड़ा, कंप्लीट पॉजिटिव चार्ज नहीं, पार्शियली, इसे बोलते हैं प्लस डेल्टा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज एंड दिस सेंटर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है और यहाँ पर पार्शियली पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव क्या होते हैं, अट्रैक्ट करते एक दूसरे को, और यहाँ पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, तो इनकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पोल्स जनरेट हो रहे हैं, इसी को नाम दे दिया जाता है डिस्पर्शन फोर्सेस। कैसे मॉलिक्यूल्स के बीच में, जब दोनों मॉलिक्यूल्स आपके कैसे हों, नॉन पोलर हों, यानी कि उनमें पोल्स जनरेट ना होते हों, अगर वो एक दूसरे के क्लोज आते हैं तो क्या हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में इतना अट्रैक्शन हो जाता है कि पोल्स जनरेट होना स्टार्ट कर देते हैं, तो इंस्टेंटेनियस डाइपोल, मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में, तो इस टाइप के हम फोर्सेस को डिस्पर्जन फोर्सेस और लंदन फोर्सेस कहते हैं, एंड दीज टाइप ऑफ फोर्सेस आर प्रेजेंट इन द नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, प्योर नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दोनों मॉलिक्यूल्स कैसे होने चाहिए, नॉन पोलर। तो ये था आपका डिस्पर्जन फोर्सेस एंड लंदन फोर्सेस। नेक्स्ट सेकेंड इज डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब है दिस टाइप ऑफ फोर्सेस अकर्स इन मॉलिक्यूल्स, उन मॉलिक्यूल्स में होगा विच हैव परमानेंटली इलेक्ट्रिकल डाइपोल, यानी कि उसमें पोल पहले से होंगे, पोलर होंगे वो मॉलिक्यूल्स। दिस टाइप ऑफ द डेफिनेशन ऑफ दिस, दिस टाइप ऑफ फोर्सेस अकर इन मॉलिक्यूल
विच हैव परमानेंट परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल. अब ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जिसमें परमानेंट इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रेजेंट होता है, सच एज HCl, ठीक है, HCl एंड वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो एंड NH3. ये जो मॉलिक्यूल हैं कैसे हैं, ये पोलर मॉलिक्यूल हैं क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिव में ज्यादा डिफरेंस है. ऑक्सीजन इज ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड नाइट्रोजन ऑल्सो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड Cl ऑल्सो इन द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट. अब पोलर मॉलिक्यूल हैज सेपरेट सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस एंड द एंड्स ऑफ द डाइपोल पजेसेस पार्शियल चार्जेस. जब ये दो मॉलिक्यूल कोई भी हम फॉर एग्जांपल डाइपोल डाइपोल फोर्सेस का मतलब क्या है, दोनों के दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे पोलर. फॉर एग्जांपल हम HCl का मॉलिक्यूल यहाँ पे ले रहे हैं, ये एक HCl का मॉलिक्यूल है, ठीक है. आपको पता है जो HCl का मॉलिक्यूल होता है इसमें पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, हाइड्रोजन पर, Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है. तो Cl क्या करेगा, जो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं ये अपनी साइड, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है और ये होता है इलेक्ट्रॉन हेटिंग. तो इसकी वजह से ये अपनी तरफ थोड़ा सा अट्रैक्ट कर लेगा, जिसकी वजह से इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है. मोर चार्ज डेंसिटी टुवर्ड्स क्लोरीन, क्लोरीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है. अगर ऐसे ही दो मॉलिक्यूल HCl एक दूसरे के क्लोज आते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl, दिस इज नेगेटिवली चार्ज पार्शियल एंड पॉजिटिवली चार्ज, दो मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी साइड दो HCl के मॉलिक्यूल, एक सॉल्यूशन बना दिया HCl का, तो उसकी तरफ कौन से वाले मॉलिक्यूल है एक दूसरे के, Cl की तरफ हाइड्रोजन इट्रैक्ट होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, दो पोल बन जाएंगे. तो इस टाइप के मॉलिक्यूल को, इस टाइप के मॉलिक्यूल के बीच जो इंटरेक्शन होता है या अट्रैक्शन होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिस इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस बोला जाता है. जब दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या होता है, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ये नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, दीज आर द कॉल्ड द डाइपोल डाइपोल. ये एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, ये भी एक डाइपोल मॉलिक्यूल है, तो डाइपोल डाइपोल फोर्सेस या डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन बोला जाता है इसे. नेक्स्ट इज थर्ड, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. अब डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्या हुआ, ये भी एक इंटरेक्शन फोर्स ही है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दीज टाइप ऑफ फोर्सेस. इस टाइप का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये किस टाइप के मॉलिक्यूल में मिलेगा, ऑपरेट बिटवीन द पोलर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल पोलर होगा और जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा वो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा. यानी कि जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में, पोलर मॉलिक्यूल और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में होता है, तब उस इंटरेक्शन को बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. अब ये इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस क्यों बोल रहे हैं, डाइपोल तो उसके लिए जो पोलर मॉलिक्यूल है, और इंड्यूस्ड डाइपोल यानी कि डाइपोल मॉलिक्यूल जो है वाटर मॉलिक्यूल, उसकी वजह से जो नॉन पोलर है जिसमें डाइपोल है ही नहीं उसमें जनरेट हो जाता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसीलिए इसका नाम है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस. अब पोलर मॉलिक्यूल कौन कौन से हो सकते हैं जो हम लेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जांपल लाइक H2O जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस हो, लाइक अमोनिया, HCl एंड वाटर. एंड नॉन पोलर मे बी कोई भी नोबल गैस हो सकती है, H2Cl2 या फिर O2, ये सारे नॉन पोलर में आएंगे. तो फॉर एग्जांपल आपका ये डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस कैसा होता है, अगर मैंने क्या बोला एक पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, फॉर एग्जांपल HCl ही हम एग्जांपल ले लेते हैं, तो HCl आपको पता है इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. इस तरीके से दो एंड पर HCl, दिस इज पार्शियली नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. अब कोई नॉन पोलर एटम है, दिस इज पोलर, जिसके पास परमानेंट डाइपोल होता है, पोल ऑलरेडी डेवलप्ड होते हैं पोलर मॉलिक्यूल, एंड दिस इज नॉन पोलर मॉलिक्यूल. कोई ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, फॉर एग्जांपल ये ज़ेनॉन ले लेते हैं, ज़ेनॉन इज द नोबल गैस, नोबल गैस होती है, नॉन पोलर है. तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल में क्या होता है, पोल्स जनरेट नहीं होते क्योंकि डायटोमिक फॉर्म में होते हैं, ये पोल्स जनरेट नहीं होते. तो जब ये एक दूसरे के क्लोज आएंगे तो इनकी वजह से, अब इसके ये सेंटर में इसके न्यूक्लियस होगा, यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियस होगा और चारों तरफ क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है.
चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है, सेंटर में न्यूक्लियस है, जब ये एक दूसरे के क्लोज आ रहे हैं तो जो सीएल नेगेटिव है यहाँ पर क्या है, नेगेटिवली चार्ज है, तो नेगेटिवली चार्ज की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा, इसका न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक तरफ, तो इसकी वजह से, इस पोलर मॉलिक्यूल की वजह से इसमें पोलैरिटी या डाइपोल जनरेट हो जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेज। जब इनके बीच में जनरेट होगा तो इस तरीके से होगा HCl, दिस इज पार्शियल नेगेटिव एंड दिस इज पार्शियल पॉजिटिव, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दिस, इस तरीके से ये पोल बन जाते हैं ज़ेऑन के एटम में। यहाँ पर क्या हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज ज़ेऑन एटम में, तो यहाँ पे क्या गया इंड्यूस डाइपोल। तो इस डाइपोलर मॉलिक्यूल की वजह से जो इसमें डाइपोल जनरेट हो रहा है उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डाइपोल एंड दिस इज हैव अ डाइपोल मॉलिक्यूल। तो इस टाइप के जो इंटरेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, दीज आर ऑल्सो द वीक इंटरेक्शन। नेक्स्ट है फोर्थ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। है ये डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन ही क्योंकि दो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है, व्हेन हाइड्रोजन एटम इज बॉन्डेड, अगर हाइड्रोजन एटम किसके साथ बॉन्डेड हो, ऑफ हायर या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ, अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ बॉन्डेड है, तब वहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। अब वो कौन से एलिमेंट है, आप इसकी ट्रिक याद कीजिए, FON, फोन। जब हाइड्रोजन एटम किसके साथ बॉन्डिंग हुई रहेगी, FON मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नाइट्रोजन के साथ, अगर इनमें से किसी के साथ भी हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इट मीन्स उनके बीच में क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, एंड द हाइड्रोजन एटम फॉर्म्स अ वीक बॉन्ड, वीक बॉन्ड फॉर्म करेगा विद द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ ऑफ द अदर मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल किस तरीके से, अगर हम यहाँ बात करें हाइड्रोजन किसके साथ है, फ्लोरीन के साथ है, HF, फॉर एग्जाम्पल HF, HF के साथ जो प्रेजेंट है, इट इज़ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन द हाइड्रोजन हाइड्रोजन से, दिस इज जनरेट द पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो दूसरा मॉलिक्यूल, और भी सॉल्यूशन में मॉलिक्यूल्स होंगे, तो ये जो दूसरा मॉलिक्यूल्स होगा, अब नेगेटिव चार्ज की तरफ और भी HF के मॉलिक्यूल्स होंगे, अब ये कोई कंटेनर है, यहाँ पे HF के जो HF का मैंने सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है, तो सॉल्यूशन डालने पर इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे HF के, तो उनके बीच में आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है किस तरीके से, अब HF है और भी दूसरे मॉलिक्यूल्स होंगे, ये भी HF का यहाँ पे जनरेट होगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर क्या हो जाएगा जनरेट पॉजिटिव चार्ज, तो इनके बीच में नेगेटिव पॉजिटिव यानी कि हाइड्रोजन की दूसरे मॉलिक्यूल की, ये एक मॉलिक्यूल है ये एक मॉलिक्यूल है, तो एक मॉलिक्यूल के फ्लोरीन जो उसका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, दूसरे वाले मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के बीच में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, इसी बॉन्ड को हम बोल देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, तो इस टाइप की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होगी, जब हाइड्रोजन एटम किसके साथ बॉन्ड होगा, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव लाइक FON, FON मीन्स फ्लोरीन, ऑक्सीजन या फिर नेगेटिव, तो आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, इट इज ऑल्सो द वीक बॉन्ड। थैंक यू स्टूडेंट्स, ये आपका इंटरेक्शन हो चुका है, इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन। देन नेक्स्ट हम थर्मल एनर्जी लेंगे नेक्स्ट टर्न पे। थैंक यू।